नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के अंदर डेवलप होने वाले आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट का चर्चा करेंगे। बच्चों ऑलरेडी काफी डिटेल्ड में आर्मेचर रिएक्शन हमने सिंक्रोनस जनरेटर में कर लिया है और हमने वहीं पे चर्चा भी कर लिया था कि अगर यही सिंक्रोनस मोटर के केस में होता तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि जब हम आर्मेचर और फील्ड एमएमएफ के बीच का रिएक्शन की बात करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन सिंपल सा रिलेशन है हमारे आर्मेचर एमएमएफ का फील्ड एमएमएफ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। मींस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ ऑन फील्ड एमएमएफ इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन पावर फैक्टर के साथ साथ लोड के चेंज होने से भी चेंज होता है। मीन्स लोड करंट की वैल्यू चेंज होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी, इन दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए नॉर्मली हम आर्मेचर रिएक्शन लोड के करंट की वैल्यू के साथ साथ पावर फैक्टर को चेंज करके भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर में हम जानते हैं जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से, वो लैग कितने एंगल पे करेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी लैगिंग पावर फैक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है और करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन डेवलप करने वाला एलिमेंट है यानी लोड का नेचर कैसा है। अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो 90 डिग्री लैग करेगा, आरए लोड का कॉम्बिनेशन होगा तो 0 to 90 लैग करेगा एट एंगल फाई। मैं यहाँ अगर वो एवरेज बताऊं तो लैगिंग पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है वो पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। मैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है ऑलरेडी सिंक्रोनस जनरेटर में हमने वेवफॉर्म के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बस आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंक्रोनस मोटर के केस में अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर फ्लक्स का आर्मेचर एमएमएफ का जो फील्ड फ्लक्स या फील्ड एमएमएफ पे रिएक्शन होगा जो इंपैक्ट होगा वो पार्शियली मैग्नेटाइजिंग होगा और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, इन सपोर्टिंग नेचर का होगा। लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर मीन्स जिसमें करंट की वैल्यू लीड करती है वोल्टेज से, दैट पावर फैक्टर इज कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो असिंक्रोनस मोटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन का इंपैक्ट होगा वो पार्शियली डी मैग्नेटाइजिंग होगा और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ पार्टली डी मैग्नेटाइजिंग एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। बच्चों ऑलरेडी डिटेल में हम सिंक्रोनस मोटर में पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ हम फिर से डिस्कशन नहीं कर रहे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।